दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्टर क्लॉक है। इस क्लॉक को यदि आप अपने टेबल पर रखते हैं तो आपके टेबल का लुक ही बदल जाएगा। इस डिजिटल प्रोजेक्टर क्लॉक को मैंने पेटीएम मॉल से ख़रीदा है। तो चलिए इस पैकेट को हम खोलते हैं और देखते हैं इस पैकेट के अंदर हमें क्या मिलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एलसीडी क्लॉक। मेन आइटम देखिए ये है एलसीडी क्लॉक, और यहाँ देखिए जो डिजिटल प्रोजेक्टर क्लॉक है वो इस टाइप का होगा। इस बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें से वो क्लॉक निकलेगा। और यहाँ देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे एलसीडी टाइम डिस्प्ले, अलार्म एंड 10 मिनट स्नूज, टाइम प्रोजेक्टर, एलसीडी बैकलाइट, वॉइस रिपोर्ट्स ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। इस बॉक्स में इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां देखिए केवल ये प्रोजेक्टर क्लॉक है। और इसके अलावा यहां देखिए एक इसका मैनुअल गाइड है। इसको पढ़ के इसको आप यूज कर सकते हैं कि इसमें घड़ी कैसे सेट करना है, अलार्म कैसे सेट करना है, इसका प्रोजेक्टर कैसे सेट करना है, ये सभी जानकारी इस मैनुअल गाइड में होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यहाँ देखिए क्लॉक यूज करने के लिए पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको किस प्रकार से इस क्लॉक को यूज करना है। और यहाँ देखिए जो प्रोजेक्टर क्लॉक है वो इस टाइप का दिखाई देगा, और इसके प्रोजेक्टर को आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लेफ्ट राइट स्लाइड नहीं हो रहा है, केवल आगे पीछे हो रहा है। और यहाँ देखिए इसका फ्रंट में डिस्प्ले है। यहाँ देखिए पीछे साइड में स्पीकर है, DC 5 वोल्ट ये चार्जिंग है इसका। और इसके नीचे में कुछ इसके बटन दिए गए हैं जिससे कि आप इस अलार्म क्लॉक को सेट कर पाएंगे। पहला बटन है HR, यानी जो टाइम होता है वो 12 घंटा और 24 घंटे का होता है, तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए मिनट और साउंड के लिए है। और इसके अलावा ये देखिए मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑन ऑफ करने का सिस्टम है। और यहाँ देखिए इसको हमें ओपन करना है और इसमें हमें सेल लगाना है। जो बिल्कुल छोटा वाला सेल होता है वो सेल इसमें 3 लगेगा। यदि आप चाहें तो इसमें सेल लगा कर चला सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कोई इसको पावर दे सकते हैं 5 वोल्ट का, तो इससे भी ये काम कर जाएगा। और सेल लगाने के बाद इसका सेटिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि इसको कैसे सेट करते हैं। इस प्रकार का हमें सेल चाहिए 3। ये देखिए बिल्कुल छोटा वाला सेल है, एक इससे बड़ा भी सेल आता है, लेकिन हमें बिल्कुल पतला वाला और बिल्कुल छोटा वाला सेल लेना है। तो इन तीनों सेल को हम इस क्लॉक में लगाएंगे, और क्लॉक में लगाते टाइम आप प्लस माइनस का जरूर ध्यान दीजिए। ये देखिए जो माइनस वाला है वो स्प्रिंग की तरफ रहेगा, देखिए इस प्रकार से। यहाँ देखिए जैसे ही मैंने सेल लगाया इसमें अलार्म बजना शुरू हो गया, और इसमें देखिए टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ देखिए इसका प्रोजेक्टर भी चालू है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को हम फिट कर देंगे इसमें। इस प्रकार से ढक्कन लग गया। अभी देखिए इस घड़ी में 12:01 हो रहा है। सबसे पहले हम इस घड़ी को सेट करेंगे, तो हम इसको 10:20 पर सेट कर देंगे। और सेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे देखिए ये जो मोड का ऑप्शन है, पहले हम एक बार इसको प्रेस करेंगे। जब एक बार प्रेस करेंगे तो ये घड़ी जो है ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जो पहला बटन है यानी HR का, इसको हम प्रेस करेंगे ऐसे, देखिए 10 बज गया। उसके बाद ये जो बीच वाला है ये मिनट के लिए है, तो हम मिनट को सेट कर लेंगे। देखिए 10:20 सेट करके आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कुछ देर ब्लिंक करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। देखिए 10:20 ये हो चुका। अब घड़ी तो सेट हो गया, अब चलिए हम अलार्म को सेट कर लेते हैं। अलार्म को सेट करने के लिए वापस से हम जाएंगे इस मोड वाले ऑप्शन पे, ये देखिए इसको, और यहाँ देखिए ब्लिंक करने लगा। उसके बाद ये देखिए AL यानी अलार्म। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो घंटा वाला है इसको हम यहाँ से सेट कर देंगे। देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए सुबह के 6:30 पे हमें अलार्म चाहिए,
तो अभी मिनट के लिए ये जो मिनट वाला है इसको हम दबाएंगे, इसको देखिए प्रेस करके रखेंगे तो ये मिनट जल्दी जल्दी भागेगा। देखिए इस प्रकार से ये देखिए 6:30 पे ये अलार्म जो है सेट हो गया। इस टेम्परेचर को भी आप सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो टेम्परेचर को फारेनहाइट में देख सकते हैं और यदि आप चाहें तो सेल्सियस में भी इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला बटन है इसको हम कुछ देर प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए फारेनहाइट की जगह ये देखिए सेल्सियस में हो गया 33.0 सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी अपने इस डिजिटल प्रोजेक्टर क्लॉक को सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद इसको इस प्रकार से अपने टेबल पर रख देंगे। जब आप सेट करके इसको अपने टेबल पे इस प्रकार से रख देंगे तो इस प्रोजेक्टर के जरिए आपके दीवार में घड़ी दिखाई देगी। इस प्रोजेक्टर को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये दाएं बाएं नहीं होता है लेकिन आगे पीछे ये प्रोजेक्टर हो जाएगा और ये प्रोजेक्टर केवल रात में ही दिखाई देगा। इतना लाइट इसमें नहीं है कि दिन में दिखाई दे, लेकिन रात के टाइम जब पूरी लाइट बंद रहेगी तो ये प्रोजेक्टर जो है आपके छत के ऊपर दीवार में एकदम क्लियर दिखाई देगा। अभी देखिए अपने रूम में मैंने पूरा अंधेरा कर दिया है, अब मैं आपको दीवार पे दिखाता हूँ कि ये दीवार में प्रोजेक्टर कैसा दिखाई देगा। ये देखिए दीवार पे देखिए प्रोजेक्टर इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:28 बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से आपके भी छत में नाइट में दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।